स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ, छोले और आलू की सब्जी। सबसे पहले हम जीरा, गोल मिर्च और 4 सूखी मिर्ची डालकर इसे भूनेंगे। यहाँ पे हम प्याज काट के रखे हैं, 2 प्याज, लहसुन अदरक छील कर रखे हैं। अब इसे हम सब जार में डालकर सभी से पीसेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला पीस गया है। कुकर में हम छोले आलू को उबाले हैं, 2 आलू लिए हैं, 2 तेज पत्ता डाली है इसमें और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची डालकर हम इसे बॉईल किए हैं। और हम कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें तेल डाले हैं। बॉईल किए हुए आलू को हम अब इसमें फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ पे आलू हो गया हमारा। अब इसमें 2 इलायची डालेंगे, बड़ा वाला, और छोले डालेंगे उबले हुए। छोले इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। छोले यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए मसाले सब डालेंगे, ऐसे भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से भुना गए हमारा छोले। अब इसमें हम पीसी हुई मसाला डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे छोले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम 4 टमाटर काट के इसे ग्राइंड किए हैं। अब उसमें वो डालेंगे हम टमाटर, और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। टमाटर का खट्टापन हमें हटाना है। अच्छी तरह से भूनना होता है, नहीं तो हमें सब्जियां खट्टी लगेगी। अच्छी तरह से हमारा छोले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम अपने ग्रेवी के अनुसार हम यहाँ पर पानी डालेंगे। यहाँ पे आलू जो उबले फ्राई किए थे अब इसमें वो भी डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें हम छोले मसाला डालेंगे 1 चम्मच। इसे 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे और अब यहाँ पे हमारे छोले आलू की सब्जी तैयार है। इसमें हम ऊपर से धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा 1 मिनट तक ढक देंगे। छोले आलू की सब्जी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।